अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग फाइन। आज हम टेनिस बॉल वाटर गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सी सिंपल टेक्निक सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप बता दूं। मैंने ब्लैक स्क्रीन यूज़ की है पीछे, ताकि मैं उसके आगे जब बॉल स्पिन कर रहा हो और उस पर वाटर स्पिन कर रहा हो तो वो पीछे बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। लेकिन आप कोई भी डार्क बैकग्राउंड ले सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि और डार्क बैकग्राउंड कैसे लिया जा सकता है। तो ब्लैक स्क्रीन मैंने लगाई, उसके बाद कैमरा शुड बी ऑन अ ट्राईपॉड। ये कैमरा है जी, जो ट्राईपॉड पे है, और मेरा इरादा ये है कि मैं बॉल को इस लाइन के ऊपर स्पिन करवाऊँगा बरखुरदार से, और यहाँ पे फोकस बॉल पे किया जाएगा। तो अब मैं बरखुरदार को कहूँगा कि वो बॉल होल्ड करे इस जगह पे जहाँ पर मैंने उसको फोकस करना है। अच्छा, कैन यू होल्ड द बॉल इन दैट प्लेन? यस, थैंक यू। ये मैंने बॉल को उस जगह पे फोकस किया है, मैनुअल फोकस। तो आई हैव सेट द कैमरा ऑन मैनुअल फोकस। लेंस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 2470 f2.8 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी लेंस यूज़ कर सकते हैं, 50mm विल बी परफेक्टली फाइन, या इवन किट लेंस विल आल्सो बी परफेक्टली फाइन। जो कैमरे की सेटिंग्स हैं वो इस लाइट में देखनी मुश्किल होंगी, लेकिन मैंने यूज़ की हैं f5.6, 1/4000 seconds और ISO 200। स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप वाटर की मूवमेंट को फ्रीज करना चाहेंगे, इसलिए मैंने 1/4000 seconds उसको स्पीड रखी है, ताकि हम वाटर ड्रॉप्स को फ्रीज़ कर सकें। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 टेस्ट शॉट्स लिए थे, जिसमें मैंने देखा था कि एक्सपोजर वाज सॉर्ट ऑफ ओके विद f5.6। उससे नीचे भी कर सकते थे, ISO को थोड़ा बढ़ा सकते थे, या और चीज़ें भी कर सकते थे। तो आपने टेस्ट शॉट्स लेने हैं। अब कैमरा सेट है एज़ लॉन्ग एज़ बॉल इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर, तो इट शुड बी इन फोकस। तो अजय, नाउ कैन यू स्पिन द बॉल अगेन प्लीज़?